हेलो दोस्तों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि रूट टू अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स हैं। यदि आप पूछेंगे क्यों, आप कहेंगे कि इसे दो संख्याओं के अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु आप इस पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं, इसका क्या प्रमाण या प्रूफ है? आइए प्रमाण देखते हैं। हम प्रत्येक संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर x को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा यह विशेष होगा यदि हम x का वर्ग या स्क्वायर करते हैं। प्रत्येक अभाज्य या प्राइम दोगुना हो जाएगा। x2 इक्वल टू p1 p2 p3 p4 इंटू p1 p2 p3 p4। अब हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि रूट टू अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। माना राहुल ने कहा कि रूट टू परिमेय संख्या है, अतः इसे p by q के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जो कि दो पूर्णांक का अनुपात या रेशियो है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। अमन कहता है कि यह संभव नहीं है, दिखाते हैं कैसे। राहुल, तुमने कहा रूट टू इक्वल टू p by q, मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो हमें 2 इक्वल टू p स्क्वायर by q स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसका अर्थ है कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य है, तो p सम संख्या है, तो हम p को 2a के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a पूर्णांक है। यदि हम यह मान 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर में रखते हैं, तो हमें 2q स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर अर्थात q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्राप्त होगा। तो q भी 2 से विभाज्य है, अर्थात p तथा q दोनों का समान गुणज 2 है। परंतु p तथा q में 1 के अलावा कोई समान गुणज नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए यह मूलभूत आवश्यकता है। इसका अर्थ है रूट टू पी बाई क्यू जैसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु राहुल कहता है कि क्या 5 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है? अमन कहता है, मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है, मतलब 5 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां p q पूर्णांक हैं, जहां q 0 नहीं है, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5। q को एलसीएम मानकर हमें p माइनस 5 q बाई क्यू प्राप्त हुआ। अब दाहिनी तरफ परिमेय संख्या है, क्योंकि p तथा q पूर्णांक है, परंतु अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। हमने यह सिद्ध किया, यह संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस विरोध का कारण हमारी गलत अवधारणा है। इसका अर्थ है 5 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय नहीं है। तो अब आप सिद्ध कर सकते हैं कि रूट 3, रूट 5, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 सब अपरिमेय संख्या है। इसे जरूर आजमाएं। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय।